उन्नाव में बस दुर्घटना के बाद यूपी के परिवहन मंत्री ने गुरुवार को यात्री बसों पर कार्यवाही की। दरअसल उन्नाव में गुरुवार को डबल डेकर बस और कंडक्टर दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए परिवहन मंत्री जयशंकर ने दुख व्यक्त किया। वहीं इस दुर्घटना के बाद उन्होंने आजमगढ़ के कंधारपुर में विशेष अभियान चलाकर कई यात्री बसों पर कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने नागालैंड और बिहार से रजिस्टर्ड बसों को भी सील किया। असर के माध्यम से जब रात में मेरे अधिकारी सड़क पर नहीं होते हैं उस समय इस तरह की गाड़ियां निकाली जाती हैं। अभी 3 दिन पहले उसमें हिमाचल एक्सप्रेस वे पर अभी 3 बजे भोर में हुआ था और ये भी कल की घटना सुबह की है और ये भी 4 बजे भोर में। तो ये लोग पार्सल जब देखते हैं कोई अधिकारी नहीं है तो गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में न फिटनेस था, न उसका जो है प्रदूषण प्रमाण पत्र बना था, ये सभी फेल था उसका, इसलिए उसके मालिक पर मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए गए हैं। कि इस बार केवल ड्राइवर और कंडक्टर दोषी नहीं रहेगा, मालिक दोषी होगा कि जब वो गाड़ी फिटनेस नहीं थी फिर क्यों चला रहा था। और मेरे अधिकारी चाहे वो जहां से ये महोबा में रजिस्टर्ड हुई है, हमारे अधिकारी की गलती होगी तो उनको भी हम सजा देंगे। और जिस रास्ते से वो गुजरी है वो बिहार से गाड़ी दिल्ली तक जाती है और मेरे जो क्षेत्र से जो उत्तर प्रदेश की सीमा में वो जितने दूर तक चलती है उसमें इसको अभी तक क्यों नहीं रोका गया, बार बार ये गाड़ी क्यों चल रही थी, उस पर भी 100 का नोटिस सभी अधिकारियों को दिए जाएंगे और यदि प्रमाण मिलते ही उन पर भी सजा किया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।